छतरपुर के मुख्य बाजार को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए अब राजस्व और नगर पालिका के अमले की जगह पुलिस ने बेड़ा संभाल लिया है। चौक बाजार स्थित दुकानों से हो रही जाम से परेशान होकर पुलिस ने अब व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है। यातायात पुलिस और कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाकर दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुए अपनी सीमा में ही दुकानें संचालन करने की बात कही। वहीं आवागमन को चुनौती बने हाथ ठेला अपनी चिन्हित जगह पर भी दुकानें लगाने की चेतावनी देते हुए कहा कि अब बाजार में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। अभी लगातार पिछले 15 दिन से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ट्रैफिक प्रभारी, कोतवाली पुलिस और नगरपालिका की टीम के द्वारा लगातार ये निरीक्षण करके अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है और इसमें काफ़ी बजरिया लगभग अतिक्रमण मुक्त हो गया। आप लोग भी इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं और जहाँ जहाँ शेष रह गया था उसको अभी भ्रमण किए हैं, उसका सामान व्यवस्थित करवाया गया है, लोगों में जागरूकता आ रही है और लगभग 70-80% बजरिया मुक्त हो चुका है, अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। फ्रूट्स वालों की बात थी तो उनके लिए जगह चिन्हित किया गया है, जहाँ हाथ ठेले लगते थे वहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया है और हाथ ठेले जहाँ लगाते थे वहाँ कुछ परमानेंट व्हीकल्स लगा देते थे, फोर व्हीलर, उसके कारण जगह मतलब कम पड़ता था, उसको भी हटवाया गया है। और साथ में जैसे अभी TI साहब ने बताया कि टू व्हीलर पार्किंग के लिए 4 जगह चिन्हित किए हैं। आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहूँगा और आप लोगों के माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए कि लोगों को पता चले हटवारा में जो छोटा ग्राउंड है वहाँ पे और अपने गल्ला मंडी में जहाँ हाथ ठेले लगाते थे वहाँ भी काफ़ी स्पेस है, वहाँ पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया है। बगल में कॉलेज है, वो कॉलेज ग्राउंड को मुक्त कराया गया है, वहाँ पार्किंग के लिए जगह बनाया गया है और उससे पहले चौक बाज़ार में भी वहाँ ठेले हटवा करके पार्किंग के लिए स्थल चिन्हित किया गया है, वहाँ लगातार आदमियों द्वारा पार्किंग की जा रही है, इससे काफ़ी कुछ सुधार आया है। आज TI साहब, कोतवाली और यातायात हम लोगों के द्वारा, नगर पालिका की टीम के द्वारा सामूहिक कार्रवाई की गई। लगातार हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं कि हमारा जो शहर का मुख्य बाजार है अतिक्रमण मुक्त हो और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि लोगों में जागरूकता आ रही है और कमी आई है। अभी 100% तो हम नहीं कहेंगे अतिक्रमण मुक्त हुआ है, लेकिन 60-70% हम लोग मुक्त कराने में सक्षम रहे हैं और ये लगातार मुहिम जारी रहेगी और कोशिश यही रहेगी कि आपका मुख्य बाजार हम लोग पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त करा लें। समझाइश की बात भी नहीं मानेंगे तो सख्ती बढ़ती जाएगी? सख्ती बढ़ती जा रही है, चलानी कार्रवाई भी की जा रही है, जब्ती की जा रही है सामानों की और चलान किया जा रहा है, इसके बावजूद भी नहीं मानेंगे तो फिर दुकान सील की जाएंगी। पार्किंग स्थल भी चिन्हित कर दिए, पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिए गए हैं और 3 तरफ पार्किंग बनाई गई है। वहाँ हटवारा के पास आपने देख लिया है पार्किंग स्थल है, यहाँ पर कॉलेज ग्राउंड और वो जो हमारा फल वाला मार्केट का ग्राउंड है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है और ये स्कूल यहाँ भी पार्किंग बनाया गया है। ये सारी पार्किंग इसीलिए दी जा रही है कि जो लोग मार्केट में सामान लेने आ रहे हैं अपने 2 पहिया वाहन वहाँ खड़ा करें और व्यवस्थित अपनी बाजारी करें।